हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजन और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेलरिंग गुरु जी। आज के इस वीडियो में देखेंगे सिंपल कुर्ती की कटिंग। एक बार फिर से देखना, वही पूरा मेजरमेंट है जो मैंने बॉडी मेजरमेंट में बताया था। अब सेम उसी मेजरमेंट से इसलिए मैं दो तीन वीडियोस डाल रहा हूं ताकि आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाए। जो बॉडी मेजरमेंट की वीडियो नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन पर जाकर के देख लेना। इसका चाहो तो स्क्रीन शॉट ले सकते हो और मैं एक एक करके बता रहा हूँ। देखिए, लंबाई इसमें 34 इंच की है। हाफ लंबाई मतलब जहाँ पर कमर मेज़र करना है 14.5 इंच का है। चेस्ट 33 इंच, कमर 30 इंच, हिप की दूरी मतलब जहाँ पर हिप नापते हैं वो 21 इंच है, हिप यहाँ पर 37 इंच है, शोल्डर 13.5 इंच है। बॉडी मेजरमेंट है, सामने और पीछे दोनों गला 6.5 इंच है। आस्तीन की लंबाई 4 इंच और गोलाई 12 इंच। तो मेजरमेंट बिल्कुल सेम है, फ़र्क क्या है, आगे पीछे दोनों डीप गला है, कॉलर पैटर्न नहीं है। तो कैसे करेंगे इसकी कटिंग? कटिंग से पहले कपड़ा बिछाने का तरीका। तो यहाँ पर देखना, पिछली वीडियो में कुर्ती की जो कटिंग मैंने बताई थी उसमें मैंने कहा था कि आड़ी और खड़ी दो तरीके से हम कपड़े को बिछाते हैं। तो आपको पहले चेक करके देखना है लंबाई कितनी है, 34 इंच है। इधर से देखने पे ये देखो, ये लगभग बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है क्योंकि हमें मार्जिन वगैरह भी चाहिए होते हैं। इस तरह से नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे, आड़ी बिछाएंगे या ऐसे। इधर से नाप के देखिए, इसमें आ जाएगा, हमें चाहिए 34 लंबाई और ये पर्याप्त है, 40 लगभग आ रहा है। तो इस तरह से बिछाएंगे। और तरीका मैंने क्या बताया था, हिप का नाप लेना है। देखिए, कपड़ा अभी क्या है, डबल फोल्ड है, ये देखो। उसके बाद जो है हिप का नाप क्या है, 37 इंच। तो 37 का चौथा हिस्सा, एक बार फिर से ध्यान देना इस चीज़ को, एक बार फिर से अच्छे से बता रहा हूँ मैं। 37 का चौथा हिस्सा कितना होगा, 9.25 इंच, ठीक है। ये निशान हम लगाए, यहाँ पर लूजिंग दे देना सीधा सीधा 1 इंच का, बॉडी मेजरमेंट होने के नाम से, ठीक है, 1 इंच का। अगर बॉडी मेजरमेंट नहीं है तो ये 1 इंच आपको नहीं लगेगा। दूसरी बात, सिलाई का जो हम मार्जिन देते हैं उसके लिए यहाँ पर सीधा सीधा 2 इंच और दे देना, ये ऐसे। तो ये आपका टोटल निशान कितने पे लगा, लगभग 12.5 इंच पे या 12.25 इंच पे, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए यहीं से हमें कपड़ा बिछाना है। तो यहाँ से फोल्ड करेंगे ये इस तरह से, तो ये ऊपर वाला हिस्सा आपका फोल्ड हो गया। यहाँ पर देख लेना एक बार और चेक करके, ये आ रहा है 12.5, ठीक है। अब ऊपर वाले पट को हमने क्या किया, ऊपर की तरफ पलटा दिए हैं, तो ये जो नीचे वाला पट है इसको नीचे की तरफ पलटा दें। तो ये हो गया आपका कंप्लीट 4 फोल्ड, उतना कपड़ा 4 फोल्ड हुआ है जितने में हमें कुर्ती की कटिंग करनी है। तो ये एक बहुत ही आसान तरीका हुआ कपड़ा बिछाने का। क्रीज लगा लें, ज़रूरत है प्रेस कर लें, ठीक है, वैसे प्रेस की ज़रूरत नहीं होती, क्रीज लगा लेंगे काम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखना, इस तरह से जब आप बिछा लोगे, सबसे पहले आपको लंबाई नापना है, ठीक है। लेकिन लंबाई नापने से पहले आपको क्या करना है, ये ऊपर वाली साइड में एक बिल्कुल सीधा निशान लगाना है, कपड़ा सीधा करने के लिए ये निशान होता है, ठीक है, ये ऐसे। उसके बाद 1/2 इंच नीचे एक और निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे एक बार फिर से कंफ्यूजन क्रिएट होगा। कॉलर वाले पैटर्न में मैंने बताया कि पीछे पल्ला आपका 1.5 इंच बड़ा रहता है, लेकिन सिंपल जितनी भी कुर्तीज आप बनाएंगे उसमें पीछे का पल्ला आपका 1/2 इंच बड़ा रहेगा, ठीक है। कॉलर वाले में 1.5 इंच, सिंपल कुर्तीज़ में 1/2 इंच। तो अभी देखिए, हमारा सामने पल्ले का निशान कौन सा हुआ, जो हमने 1/2 इंच नीचे लगाया वो है, ठीक है। तो लंबाई जब आप नापोगे, 34 इंच आपको नापना है, तो ये नीचे वाले निशान से स्टार्ट करना, और आपको नापना है कितना, 34। मार्जिन देंगे 1/2 इंच का, 34.5। 1/2 इंच का मार्जिन क्यों, शोल्डर ज्वाइंट करने के लिए, बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद 1 इंच का मार्जिन नीचे मोड़ने के लिए, जो हम नीचे चौक मोड़ते हैं उसके लिए, और उसके बाद ये निशान सीधा ले लेना है, ये ऐसे, और उसके बाद ये नीचे वाला, ये इस तरह से। दोनों निशान बिल्कुल बराबर मिल गए, वापस से आएंगे ऊपर की साइड। यहाँ देखना, कहाँ पे हमें कमर नापना है, कहाँ पे हिप नापना है, इन सब चीज़ों का निशान, ठीक है। चेस्ट के लिए बाद में बताऊँगा, पहले हिप और कमर। अब ये सिंपल कुर्ती है, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान देंगे, जितना हमने नाप लिया हाफ लंबाई का, या हमने नापा बॉडी मेजरमेंट से कि कमर आ रहा है 14.5 इंच पे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/2 इंच का मार्जिन, ये 15 इंच पे निशान लगेगा, ठीक है। उसके बाद हिप की अगर बात करें तो ये 21 इंच आया है, इसमें भी 1/2 इंच ऐड होगा, तो ये 21.5 पे, ये दो निशान आपके लगेंगे। दोनों निशानों को फिर से स्केल से मिला लेना है, बिल्कुल सीधा लाइन खींच दें, ये ऐसे।
यहाँ पे देखना चेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से 5.5 इंच का निशान लेंगे, ठीक है, ये वाला। और उसके बाद ये बिल्कुल सीधा इस तरह से मिला लिया, तो ये आपका आर्म होल का निशान बैठेगा 5.5 वाला। एक चीज़ मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगा, जो मैंने बॉडी मेजरमेंट के लिए बताया था लूजिंग का, ये वो चार्ट था। जिन्होंने कॉलर कटिंग वाला वीडियो देखा है, कॉलर कुर्ती कटिंग वाला, उनको सब मालूम होगा। जो नए हैं उस वीडियो को जा करके देखना, डिस्क्रिप्शन पे हो सके तो उसका भी लिंक दे दूंगा आपको, वीडियो यूट्यूब पर भी मिल जाएगा, जा करके देखना, मैंने इसको पूरा बताया हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और डायरेक्ट समझ सकते हो। इस वीडियो में इसको इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है ऑलरेडी समझाने के चक्कर में। तो सीधा सीधा मेरे कहने का ये मतलब है कि चेस्ट में 3 इंच का लूजिंग आता है जब भी हम बॉडी मेजरमेंट लेते हैं, कमर में 3 इंच का लूजिंग आता है और हिप में 2 इंच का लूजिंग आता है, चाहे कोई भी चेस्ट साइज हो, ठीक है। तो उस हिसाब से जैसे कि मैंने कहा है कि अगर 32 इंच चेस्ट है तो आपका आर्म होल 5 इंच का निशान लगेगा। सीधे निशान की मैं बात कर रहा हूँ, आर्म होल राउंड की बात नहीं कर रहा। तो फ्रेंड्स ध्यान देना, चेस्ट है 33 इंच का, 3 इंच का इसमें लूजिंग देंगे, 36 इंच हो गया, 36 का चौथा हिस्सा लेंगे 9 इंच, 9 इंच पर निशान लगाने के बाद 1.5 इंच का हम सिलाई मार्जिन लेंगे, ठीक है। इसके बाद देखना कमर की बात आती है, तो कमर है 30 इंच का, 3 इंच का इसमें भी लूजिंग लेंगे, 33 इंच हो गया, चौथा हिस्सा करेंगे, ये होगा 8.25 इंच, 8.25 का निशान लगाने के बाद 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन देंगे। अब अंत में बात आती है हिप की, तो हिप के लिए देखना 37 इंच का हिप है, 2 इंच का इसमें लूजिंग देंगे तो ये हो जाएगा 39 इंच, 39 का चौथा हिस्सा करेंगे तो ये होगा 10.25 इंच, और 10.25 इंच में 1 इंच का हम देंगे मार्जिन, तो ये हो जाएगा आपका पूरा कंप्लीट। जितना हिप है उतना ही हम दामन लेंगे, हिप का निशान हमने 10.5 पे लगाया, यहाँ पर भी 10.5 का लगा लेंगे। ऐसा आप कब करेंगे, जब आपने दामन का नाप नहीं लिया है। अगर आपने दामन का नाप लिया है, ऑलरेडी कस्टमर की कोई रिक्वायरमेंट है कि उन्हें दामन को कम कराना है या ज़्यादा कराना है, तो आप एज पर रिक्वायरमेंट चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से हो गया, 1 इंच का जो मार्जिन है इसमें भी कॉमन रहेगा। अब बात आती है निशानों को मिलाने की, मिलाने का जो तरीका है उसको देखना। यहाँ से करेंगे शुरुआत चेस्ट से, ये ऐसे सबसे पहले चेस्ट और कमर को मिलाएं, फिर कमर से हिप को मिलाएं, और फिर हिप से दामन को, तो ये लाइन आपकी बिल्कुल सीधी है ये। अब उसके बाद आता है मार्जिन, तो यहाँ पर 1 इंच का मार्जिन है हिप से दामन तक, और उसके बाद ये पूरा 1.5 इंच का मार्जिन है, यहाँ 1.5 का मार्जिन होगा, ठीक है। और उसके बाद जो है ये इस तरह से, यहाँ पर शोल्डर की अगर बात करें, बॉडी मेजरमेंट में हमने शोल्डर लिया 13.5 इंच का, लेकिन गला कितना डाउन हो रहा है, 6.5 इंच, यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं पीछे गले की, 6.5 इंच डाउन हो रहा है, तो शोल्डर आपका 2 इंच कम हो जाएगा और निशान आपका लगेगा 11.5 इंच पे, ठीक है। 11.5 का हाफ कितना होता है, 6.25, तो ये 6.25 इंच का शोल्डर निशान। अगर आप इसको पर्टिकुलर समझना चाहते हैं कि किस तरह से कितना गला डाउन करने पर कितना शोल्डर कम होता है, इसके लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं दिलीप टेलर्स मोबाइल ऐप, प्ले स्टोर पर आप सीधा सीधा सर्च करें या डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, एक बार चेक करें। उसके बाद जो है ये इस तरीके से, यहाँ पर दूसरा निशान ये भी 6.25 इंच का। अब इन दोनों निशानों को मिलाते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, आर्म होल पहले शोल्डर नापने के बाद ही लेते हैं, लेकिन आज मैंने 5.5 का निशान पहले ही लगवा दिया ताकि इन चारों निशानों को क्लियरली आपको समझा सकूं। तो अब आपको आर्म होल के लिए 5.5 का निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमारा वो काम तो तैयार है। अब बात आती है आर्म होल की गोलाई की, तो आर्म होल गोलाई करने से पहले कुछ चीज़ें ध्यान में रखना, जैसे आर्म होल को हमें डाउन करना है और शोल्डर को भी थोड़ा सा डाउन करना है। तो ये जो है आर्म होल आपका डाउन होगा 0.5 इंच, ये ऐसे स्केल से इसको मिला दें, तो ये बात हो गई आर्म होल डाउन करने की। अब बात करते हैं शोल्डर राउंड करने की, तो इसको हल्का सा 0.25 इंच डाउन कर दें, ये ऐसे, ज़्यादा यहाँ पे डाउन करने की ज़रूरत नहीं, केवल गले की तरफ ही डाउन करना है, और ये आपका पीछे का पल्ला भी इस तरह से थोड़ा सा डाउन होगा, ठीक है। अब आर्म होल की गोलाई देंगे, तो पहली गोलाई 1 इंच की दूरी से, ये इस तरह से राउंड देना, देखिए। उसके बाद एक और गोलाई आएगी ये पीछे पल्ले के लिए, तो दोनों गोलाइयों के बीच में जो गैपिंग है ये आप 0.5 इंच का रखेंगे, ठीक है। ये इस तरह से थोड़ा सा डाउन करके यहाँ पे कटेंगे ताकि आर्म होल का शेप जो है अच्छा है।
तो फ्रेंड्स आज यहाँ पे गले की कटिंग मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि गले का कटिंग हम बकरम पे करेंगे, सामने गले का, पीछे गला नॉर्मल रहेगा। तो बकरम वाला गला बनाने के लिए भी इस तरह से देख लेंगे और सिंपल सूट भी हमारा तैयार हो जाएगा। तो अभी देखिए यहाँ पर शोल्डर से स्टार्ट करते हैं कटिंग को। ये पीछे पल्ले के अकॉर्डिंग पहले काटना है, ये हो गया। उसके बाद ये जो शोल्डर है सामने पल्ले का, ये आपका हाफ इंच हट जाएगा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में इसको एक्सप्लेन किया। यस, तो ये हो गया। अब अगर हम चाहें तो नीचे तरफ से भी कटिंग को पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए ये इस तरह से, सबसे पहले यहाँ पर दामन पे कटिंग कर देनी है। कटिंग आपका पूरा मार्जिन वाले निशान पे होगा। उसके बाद बच गया ये आर्म होल का शेप, तो यहाँ पर भी पहले बाहर वाले निशान पे काटना है, क्योंकि अभी हम दोनों पल्ले की पीछे और सामने की एक साथ कटिंग कर रहे हैं। तो ये देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सामने पल्ले का जो आर्म होल है उसको छांट देंगे और सामने पल्ले का गला कटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि सामने पल्ले के गले को हम बकरम पे काटेंगे। तो ये क्लियर है, केवल पीछे पल्ले का गला काटना है। अभी फिर हाल तो यहाँ पे आर्म होल को छांटना है सामने पल्ले का। यस, ये हो गया। यहाँ पर सिर्फ एक सेंटर का कट लगा देना है गले के लिए, बस और कुछ नहीं करना। अब आते हैं कि नीचे वाला जो है ये हमारा पीछे का पल्ला है। गला कितना लेंगे, ये गला हम लेंगे यहाँ पर 2 इंच का, ठीक है। उसके बाद गले की गहराई, सामने का गला कितना है 6.5, पीछे का गला कितना है 6.5, तो यहाँ पे 6.5 का निशान, थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह से मार्जिन ले सकते हो, हल्का सा। अब इसमें बराबर इसको उस शेप को मिला लेना है और पीछे सिंपल सा हम गोल गले का शेप दे सकते हैं, अगर हमें कोई भी डिज़ाइन नहीं करना है तो। वैसे सूट्स में आमतौर पर हम देखते हैं सामने गले पे ज़्यादा डिज़ाइन होते हैं, पीछे सिंपल होता है। तो ये गोल गले का शेप, ठीक है। अब कर देते हैं इसको कटिंग। तो ये तो कट गया हमारा सिंपल कुर्ती। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना, ये जो कमर है, हिप है, दामन है, इसके लिए आप छोटे छोटे कट्स लगा देंगे कहाँ पे, ये कॉर्नर्स पे, ताकि जब हम इसकी फिटिंग करें तो इन कट्स को मिला करके करें। इनके महत्व मैं आप लोगों को समझाऊंगा आगे आने वाली वीडियोस में। अब हम इसको लपेट के रख देते हैं। इसके बाद 2 चीज़ें बचती हैं, एक तो बकरम में गला काटना है और दूसरा आस्तीन काटना है। तो आस्तीन छोटा आस्तीन है, तो देखिए गले के लिए आपको बकरम लेना है, बकरम पे कटिंग करेंगे। बकरम को सबसे पहले डबल फोल्ड करना है, ये इस तरह से, ये पहले एक सीधा निशान लेते हैं, ठीक, और उसके नीचे एक और निशान, थोड़ा सा मार्जिन ले करके। ये कितना मार्जिन है, जितना आप सिलाई दबाते हैं शोल्डर पे एक ब्लेजर का, जिसको हम हाफ इंच भी बोलते हैं, ठीक। यहाँ पर ध्यान देना गला कितना लेंगे, इंपॉर्टेंट जानकारी है। पीछे का गला 2 इंच पे लिए तो सामने 2.25 इंच पे लेंगे, पीछे अगर 2.25 इंच पे लेते हैं तो सामने 2.5 इंच पे लेते हैं, 1.25 इंच का फर्क आएगा बकरम में, ठीक। उसके बाद गले की जो गहराई है वो सेम रहेगी 6.5 इंच, ये ऐसे। अब देखना हमें गले का शेप तैयार करना है, तो ये इस प्रकार से पहले निशान लिए, यहाँ पर एक निशान लगाना होगा 2.75 इंच का, ये ऐसे, और इस निशान को इस प्रकार से तिरछा मिला देना। उसके बाद देखना ये नीचे से 1 इंच ऊपर आप एक निशान लगाओगे, ये ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर हम शेप देंगे, ये इस प्रकार से, और उसके बाद जो है ये इस तरह से हल्का सा राउंड करेंगे और इसकी कटिंग करेंगे। तो पहले तो इस निशान के बाहर बाहर से कटिंग करनी है, ये कितना बाहर से करना है 1 इंच, कुछ लोग 1.5 इंच भी करते हैं तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये ऐसा 1.5 इंच 1 इंच दोनों चौड़ाई चलेगी।
उसके बाद आपको क्या करना है, इस निशान के ऊपर ही काटना है। ये हो गया, ये बराबर फिनिशिंग से इस तरह से थोड़ा बहुत छांट लेकर कहीं पे जरूरत है तो। और उसके बाद हम इसको ओपन करते हैं, तो ये देखिए। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि इस गले को आप लोग कौन सा गला बोलते हैं, नीचे कमेंट में ज़रूर लिखना। ये यहाँ रखता हूँ मैं, ये देखिए इस प्रकार से। और फ्रेंड्स, अस्तिन की कटिंग आज के वीडियो में मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि पिछले वीडियो में जिसमें कॉलर कुर्ती की कटिंग बताई थी, सेम अस्तिन का कटिंग मैंने बताया है। अगर आपको अस्तिन कटिंग से रिलेटेड कोई डाउट है, आप जा करके देख सकते हो। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन पे एक बहुत ही बढ़िया वीडियो का लिंक दे रहा हूँ अस्तिन कटिंग का, वो भी आप जा करके देखना, आपकी अस्तिन कटिंग से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं सब सॉल्व हो जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, इसकी सिलाई भी बहुत जल्द देखेंगे। वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं राजन आपसे फिर मुलाकात करता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।